आपके कंसिडर करे जाते हैं एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके बेटा, यहां पर आपका एक सवाल है इसी में, है ना, यही चीजें होती हैं जो आपके क्वेश्चन बन जाती है, इसके अलावा नीट में कुछ नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए हु इज ऑफन कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, योर आंसर वुड बी बर्क। ठीक है बच्चों, यस सर। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है, जो भी मैंने लिखा है मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए देखो यहां पर भी एक और डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक, या फिर उनके एंजाइम। एक्सक्यूज मी सर, या सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं आ रही सर, वो जो आपने कर रखी है। नो सर, काम करिए आप दोबारा, इसी की बात कर रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्निक है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं या फिर उनके एंजाइम्स का यूज करते हैं। मेन मकसद क्या है, किस लिए? प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा, एक बड़ा ही कॉमन नाम है, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं डायबिटिक पेशेंट, सुने डायबिटिक पेशेंट के बारे में? सुना है? यस सर, यस सर। अब डायबिटिक पेशेंट को आप लोग क्या देते हैं, क्या लगाते हैं भाई? उनके इंजेक्शन लगता है ना किसी चीज का, इंसुलिन है ना, तो ये मार्केट में अवेलेबल है, है ना। तो व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन इज बेसिकली अ हार्मोन, है ना। तो ये हार्मोन मार्केट में आया कैसे, बात तो ये ना, आपने हार्मोन मार्केट में लाया कैसे? उस वो टेक्निक जो इस्तेमाल करी है उस मार्केट में लाने के लिए, वो क्या थी बेटा? बायोटेक्नोलॉजी। मेन हमारा मकसद ये कि इंसानों की बेहतरी के लिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जिससे कि फायदा हो, ठीक है। यहां पर इस डेफिनेशन को बहुत आसानी से समझ लोगे। बायोटेक्नोलॉजी इज द टर्म या टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म या फिर उनके एंजाइम, क्यों? उनके प्रोडक्ट्स के लिए, और फिर उनको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग हम आगे समझेंगे, जिससे कि किसको फायदा हो? ह्यूमंस। ह्यूमंस, वेरी नाइस, समझ में आ गया, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। चलिए आगे देखते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा नीट का सवाल है, ठीक है, यहीं से सवाल बनता है कि EFB, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है आपसे, है ना, और पूछा जा सकता है कि इससे रिलेटेड है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और यहां पर क्या करते हैं, फुल फॉर्म में ई से कुछ और बदल देंगे, ऐप से कुछ और बदल देंगे, पर आपको याद रखना होगा कि EFB इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। काम क्या कराता ना, क्यों नाम लिया गया यहाँ पे, उन्होंने डिफाइन करा था, है ना, एक साइंटिफिक बढ़िया सी एक डेफिनेशन दी थी जो लोग बिल्कुल आम लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी जो हमने पहले जो पढ़ी दो स्लाइड में, वो डेफिनेशन मैंने पहले ही बताया था, लेमैन वाली, आम इंसानों वाली, ठीक है। अब EFB ने, यानी कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिफाइन करा बायोटेक्नोलॉजी को क्या? इंटीग्रेशन है। किसका इंटीग्रेशन करते हैं बेटा? जोड़, नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिजम्स का, सेल्स का, उनके पार्ट्स का, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का। मेन मकसद फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बात समझ में आई? आप नेचुरल साइंस के साथ सब चीजों को जोड़ें। अब देखो बेटा, सवाल कैसे बन सकता है? देखो, एक तो सवाल यहां पर बन सकता है कि EFB की फॉर्म क्या है, ठीक, या फिर सवाल बन सकता है कि आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी और डी दे रखे होंगे, ठीक है, उन ऑप्शंस में दे रखा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, ठीक है, एक ऑप्शन में ऑर्गेनिज्म दिया होगा, ठीक, दूसरे में सेल्स, तीसरे में पार्ट थेरऑफ, और चौथे में All of the above. ये questions बनने का तरीका होता है। किसी भी टॉपिक को इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये समझ में आया? What is EFB? EFB is European Federation of Biotechnology. काम क्या किया था? Define करा था। बस definition दी थी biotechnology की, scientific definition. अगर दी है तो किसने दी है बेटा? EFB ने दी है। ठीक है बच्चों? अब हम इतनी देर से कह रहे हैं कि भैया बायोटेक्नोलॉजी का यूज है, यूज है, यूज है, कहां कहां यूज है ना,
तो ये आप देख सकते हैं कि बायोटेक का यूज कहाँ का है। सबसे पहला हमने जो मैंने कहा था, बहुत सालों से, कई सौ सालों से हम लोग दही बनाते आ रहे हैं, ब्रेड बनाते आ रहे हैं, वाइन बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी डील किसके साथ कर रही है? माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस के साथ, है ना, कि किस तरीके से माइक्रोब्स का यूज करके हम उनसे बहुत अलग अलग तरीके के खाने की चीजें बनवा सकें या पीने की चीजें बनवा सकें, तो माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस के साथ। दूसरा, बायोटेक आपका डील करता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। अब इसमें आपका टेस्टिव बेबी आपने सुना होगा, सबसे बहुत ही आसान, सबसे कॉमन जो टर्म यूज होता है, सुना है आपने नाम? यस सर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बेटा इन विट्रो कहते हैं बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ जीन, या तो जीन को सिंथेसिस करना और उस जीन को यूज करना, है ना, कि बेटा हमारी बॉडी में सारा जो गेम है वो खेल जो है वो किसका बेटा? जीन का, जीन्स का। ये जीन्स ही है जो कि आपके ऑन होते हैं, ऑफ होते हैं। आपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पढ़ा दिया बेटा चैप्टर? नहीं पढ़ाया, ये पढ़ लिया आपने? नो सर। अच्छा, उसमें एक है बेटा लैक ऑपरॉन, है ना, बढ़िया मजेदार चैप्टर है। उसमें आपको बताया जाएगा कब जीन ऑन होता है, कब जीन ऑफ होता है ना। बहुत छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, कि आपको मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम रूम में बैठा दूं, या फिर आप एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, और आपका मोबाइल फुल चार्ज है। एक एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या आपको चार्जर की जरूरत है? नो सर। चार्जर क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा या करंट प्रोवाइड कर देगा, मोबाइल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है तब आप क्या करेंगे, उसे चार्जिंग पे लगाएंगे। सिंपली क्या होता है, हमारा जो भी बॉडी होती है उसका मैकेनिज्म ये होता है, जब तक जरूरत नहीं होती वो कोई भी एंजाइम सिंथेसाइज नहीं करता है, है ना बेटा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि तुम्हारी बॉडी में सफिशिएंट इंसुलिन है, है ना, तो इंसुलिन को सिंथेसाइज करने के लिए तो जीन चाहिए होगा, तो वो जीन तब तक ऑफ रहेगा तब तक आपकी बॉडी में सफिशिएंट इंसुलिन है, अगर नहीं होगी तो वो दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है। तो बायोटेक्नोलॉजी का तीसरा एम क्या था, सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ अ जीन, किसी भी जीन को सिंथेसिस करना, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, या फिर किसी भी जीन को यूज करना। अगला, प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन। आपने नॉर्मली जो वैक्सीन पढ़ी होंगी, है ना, वैक्सीन क्या होती है सबको पता होगा, सबको पता है ना बेटा व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन जो होती है वो कैसी होती है? फिर हमारा एडवांसमेंट चलता गया, बायोटेक्नोलॉजी आई, एक नई वैक्सीन निकल के आई जो कि कहलाई डीएनए वैक्सीन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। ये भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैंने बताया कि मान जीन का बहुत बड़ा रोल है। आखिरी जो काम होगा बायोटेक्नोलॉजी का वो होगा करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, है ना, जो आपके खराब जीन हो गए हैं उसको क्या कर देना बेटा, ठीक करना, क्योंकि जो भी एक्सप्रेशन है वो जीन का है, जो भी कुछ बनेगा वो जीन से ही बनेगा, ठीक है। तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं इसको, पहला जो था बेटा क्या था, पहला माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेसेस, दूसरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, थर्ड सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ अ जीन, फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन, फिफ्थ करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। देखो इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारा आगे भी काम आने वाला है, जब हम SCID पढ़ेंगे, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी जब पढ़ेंगे तो इसमें ये डिफेक्टिव जीन का रोल आएगा, ठीक है। वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको यहाँ पर भी एक क्वेश्चन कोई ना कोई बन सकता है, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Core techniques of modern biotechnology, आजकल की जो बायोटेक्नोलॉजी है इसकी कोर कहते हैं बिल्कुल जो भी जड़ की जो टेक्निक होती है, बेसिक टेक्निक क्या है? पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो दो कोर टेक्निक है, एक आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा आपका बेटा बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। इसको बायोप्रोसेस को रहने दो, अभी पहले पढ़ेंगे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग।
जेनेटिक तुम समझ गए होगे, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा जेनेटिक है क्या बेटा, जीन से रिलेटेड होगा वो जेनेटिक है, ठीक है। क्या करना है इसमें, बहुत इंजीनियरिंग में क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग चीजें अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो आपकी कंप्यूटर साइंस हो, बहुत सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है। तो उसमें से एक आपकी दिख रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या करा जाता है कि ये वो टेक्निक है जिसमें जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, उसको केमिकली अल्टर्ड करते हैं। बेटा इस वर्ड को ध्यान रखना, कैसे अल्टर्ड करते हो आप? केमिकली। केमिकली देखो दो चीजें हैं, म्यूटेशन आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने म्यूटेशन? Yes, तो म्यूटेशन में दो चीजें थी, एक तो म्यूटेजन्स, एक फिजिकल म्यूटेजन्स और केमिकल म्यूटेजन्स, केमिकल म्यूटेजन्स। कुछ केमिकल होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, कुछ फिजिकल एजेंट्स होते हैं जैसे एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, किससे कर रहे हैं हम लोग? केमिकल से कर रहे हैं, है ना। तो केमिकली अल्टर्ड करते हैं, अल्टर्ड का मतलब होता है चेंज करते हैं। सपोज करो ये कोई सीक्वेंस है डीएनए का, ठीक, इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा, ऐसे ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। अभी जल्दी में चलो करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ए टी 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 जी 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 सी ए टी, ठीक है। केमिकली मैं इन दो सीक्वेंस को क्या करूं, चेंज कर दूं, ठीक है। चेंज करने का मतलब होता है अल्टर कराना या अल्टर कर देना, चेंज का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो टेक्निक कहलाएगी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक। यहां तक अभी हुई है बस चेंज तक, उसके बाद करते हैं इस चेंज करने का फायदा क्या हुआ, इस डीएनए को चेंज करा, या फिर मैंने क्या करा कि दूसरा टेक्निक क्या थी, ये मेरे पास पूरा डीएनए है, ध्यान से देखना बेटा, स्क्रीन पर सब दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ये जो मैं बना रहा हूं बेटा दिख रहा है ना सबको? यस सर। ओके, मैंने क्या करा कि इसको कट कर दिया यहां से और इतना पोर्शन निकाल लिया, ठीक है। कट करने के बाद ये जो मेरा पोर्शन था, ये मेरा था डिजायरेबल जीन, ठीक, डिजायरेबल जीन। फॉर एग्जांपल लेट सपोज दिस इज अ जीन फॉर इंसुलिन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक किस में डाल दूंगा, होस्ट में, किसी होस्ट में डाल दूंगा कि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सके या फिनोटाइप चेंज कर सके, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से आसानी से समझ ले रहे हैं एक बार और, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, ठीक है, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है ना। यस सर। एक सवाल यहां पर बनना है, बड़ा अच्छा सवाल है, ये आ भी चुका है कि विच वन इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डीएनए और आरएनए, एंड व्हाई? सर डीएनए यूज होता है ना सर ह्यूमंस और वो हाई ऑर्गेनिजम्स में, और नहीं ट्रांसफरिंग के लिए पूछ रहा हूं बेटा, अगर आपको आरएनए, हाँ उसका बेटा क्योंकि जवाब देंगे आप इसका, आरएनए भानु ने बोला, ये भानु आपने बोला बेटा? यस सर। यस सर। भानु इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे आंसर को, आपने आरएनए बोला, सही है आरएनए, बिल्कुल सही बात है। डीएनए आपका स्टोरेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए में चेंजेस नहीं आते, है ना बच्चों, डीएनए स्टेबल है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसलिए अमीनो एसिड्स बनते हैं। आरएनए से डायरेक्ट आपका सिंथेसिस क्या होगा, प्रोटीन, है ना, उसको पीछे नहीं आना पड़ेगा, प्रोटीन डायरेक्ट सिंथेसिस होता है, इसलिए हम ट्रांसफर के लिए चूज करते हैं, प्रेफर करते हैं किसको, आरएनए को, और स्टोरेज के लिए यूज प्रेफर करते हैं हम लोग डीएनए को। तो यहां पर दोबारा से वापस आते हैं कि वो टेक्निक क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, एक टेक्निक है जिसमें हम लोग जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए चाहे वो आरएनए हो, इसको केमिकली अल्टर करते हैं और उसके बाद उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर देते हैं या डाल देते हैं, ठीक है, उसका फिनोटाइप चेंज करने के लिए। आपको फिनोटाइप पता होगा क्या होता है फिनोटाइप, ठीक है, ठीक, इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे। क्लियर, फिनोटाइप पता है बच्चों? यस सर। ठीक, तो अगला जो है वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। देखो क्या होता है कि हमें चाहिए क्या प्रोडक्ट्स,
ये सब चीजें जो हम ये जो करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा खेल जो करेंगे हम लोग, डीएनए को निकालेंगे, उसको कट करेंगे, उसको होस्ट में डालेंगे, उसका फिनोटाइप चेंज करेंगे, क्यों? आंसर क्या होगा? क्या लिखा मैंने? किस लिए करेंगे हम लोग? प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। वो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, वो तरीका क्या है? बायो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो आप है, ये दोनों ही देखो होगा, दोनों से, अकेले इससे नहीं होगा, बायो प्रोसेस से। वो प्रोडक्ट्स आप निकालेंगे कैसे? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से। अब इसमें क्या होता है कि आप ऐसी कंडीशन, जो ध्यान रखना कौन सी कंडीशन, स्टराइल कंडीशन, एम्बियंस कहते हैं एटमोसफेयर को, ठीक। अगर स्टराइल, बच्चों जानते हो दो चीज, yes, अच्छा बताओ जरा, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर। हाँ, मैं जानता था यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा रिप्रोडक्शन को लेके आएंगे। नहीं बच्चों, यहाँ पर वो उसका मतलब वाला नहीं है, ठीक है। जो होस्ट से चिपका हुआ होता है? नहीं, होस्ट से चिपका हुआ नहीं होता है, है ना। एक्चुअली क्या होता है, स्टराइल यहाँ पर असल में क्या होता है, इंग्लिश में एक वर्ड के इतने मायने कर दिए हैं कि हम लोग खुद ही कंफ्यूज आते हैं। कोई बात नहीं, तो देखो अगर मैं इकोलाई, ये है मेरे डॉट डॉट दिख रहे हैं सारे, है ना? यस सर। अब यहाँ पर तुम्हें एक रेड डॉट दिख रहा होगा, एक आपको ब्लू, ठीक। और मेरा जो जीन है, ठीक है, वो आपका किस में है? रेड डॉट में। तो आप किसको ग्रो कराना चाहेंगे, रेड वाले को या ब्लू वाले को भी साथ में? रेड वाले को ना, रेड वाले को। हाँ सर, है ना, रेड वाले को। तो अगर मैं बिल्कुल भी किसी और ऑर्गेनिज्म को ना ग्रो कराऊं, ये मेरे लिए ब्लू वाला कैसा हो गया बेटा? कंटामिनेंट हो गया, मतलब ये गलत चीज है ना, कंटामिनेंट है ब्लू वाला। तो ऐसी कंडीशन जिसमें मैं बिल्कुल किसी और ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं कराऊं, सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराऊं जो कि मेरे लिए फायदेमंद है, यानी कि कंटामिनेंट्स फ्री कंडीशन, मतलब कुछ भी नहीं होगा, ऐसी कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, कोई भी पार्टिकल्स नहीं होंगे, कुछ भी केमिकल्स नहीं होंगे जो कि उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे इफेक्ट डालें, ऐसी कंडीशन कहलाती है बेटा स्टराइल, स्टराइल कंडीशन, साफ सुथरी कंडीशन, है ना बच्चे? बैक्टीरिया कितने करोड़ों बैक्टीरिया है ना, बहुत सारे। मान लो ये कोई आपको माइक्रोस्कोप में दिखा रहा हूं मैं, है ना, मान लो सपोज करो माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख रहे हो, है ना, और आपको ये दिख रहा है एक इस तरीके के बैक्टीरिया दिख रहा है ना, और इसमें आप पहचान लोगे कौन सा क्या क्या है, ये आपको दिख रहा है ना, इसमें कॉमा शेप बैक्टीरिया भी दिख रहे हैं, है ना, और आपको ये दिख रहे सर्किल वाले भी दिख रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें बहुत सारे ग्रो हो रहे हैं, ठीक। तो ये जो कंडीशन है ये अनस्टराइल है ना, इनमें से एक ना एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। अगर इनमें सिर्फ एक ही तरीके का बैक्टीरिया ग्रो हो, कॉमा शेप, तब हमें फायदा है। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, जब हम कंटामिनेंट्स को ग्रो नहीं होने देते या फिर कंटामिनेंट्स को आने नहीं देते, वो क्या कहलाएगी बेटा, कौन सी कंडीशन है वो? स्टराइल। वेरी नाइस, ठीक है, यस। क्यों बनाते हैं? इसका आंसर बहुत आसान है, हमें अपना माइक्रोब ग्रो कराना है जिसमें हमने इंट्रोड्यूस कराया भाई, जिसमें हमने डीएनए जो लिया था उसको हमने डाल दिया था, आगे और देख लेंगे, ठीक है, उसको डालते हैं, हमें वही ग्रो कराना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल एम्बियंस, एम्बियंस पे ज्यादा मत फर्क करो, एम्बियंस का मतलब होता है बेटा एटमॉस्फेयर, इंग्लिश का वर्ड है, उन्होंने एक नया थोड़ा डाल दिया जिससे कि ओहो वाह क्या बात है, एम्बियंस नया वर्ड है। सिंपल था, इसका मतलब क्या बेटा, एटमॉस्फेयर, है ना, स्टराइल एटमॉस्फेयर है, मेंटेनेंस करना पड़ती है इसकी, क्यों? क्योंकि आपको क्या ग्रो कराना है, डिजायर्ड माइक्रोब्स, कोई भी डिजायर, चाहे वो इकोलाई हो, चाहे वो बैसिलस हो, चाहे वो लैक्टोबैसिलस हो, चाहे वो सेलमोलेना हो, बहुत सारे, ठीक है, या फिर कोई सेल लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि बेटा माइक्रोब्स का साइज कितना होता है, माइक्रोमीटर, है ना, इतना ही होता है ना, ज्यादा थोड़ा होता है ना, माइक्रोब्स में होता है। अब मान लो कि मुझे कोई प्रोटीन बनानी है और मैं वो माइक्रोब्स में ग्रो करा रहा हूं, ऑलरेडी माइक्रोब्स का साइज कितना है, माइक्रोन्स में, तो प्रोटीन भी किस में आएगी, माइक्रोन्स में। या तो ऐसा हो कि मैं उनमें ना ग्रो कराऊं, किसी और में ग्रो करा लूं, भाई
मैं तो किसी और में चाहूं तो मैं जैसे एनिमल्स हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, उनमें ग्रो कराऊं, पर वो हो नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन माइक्रोब्स की क्वांटिटी को बढ़ा देता हूं, मतलब 10^9 मल्टीप्लाई कर करके है ना। तो जितनी बार ये मल्टीप्लाई करेगा उतनी बार मेरी प्रोटीन बनेगी, या आप जो चाहेंगे प्रोटीन बनेगी, है ना। तो ग्रो किस में होगा, लार्ज स्केल में, लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। जब तक आप लार्ज क्वांटिटी में नहीं ग्रो कराएंगे, आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। छोटे से आप इतनी सी प्रोटीन लेके क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है। उसको आप मार्केट में भी नहीं लेके आ पाओगे। आपको क्या चाहिए, बहुत सारा चाहिए। कम एक एक बार के उसमें एक प्रोसेसिंग के बाद कम से कम 10 किलो प्रोटीन या 50 किलो प्रोटीन तो निकले, आप कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाओगे। बात समझ में आ रही है अब, है ना। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग दोबारा समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद शायद रिकनेक्ट होगा, दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है बेटा। 5 मिनट रह गए। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर ग्रोइंग डिजायरेबल माइक्रोब्स यूकेरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स, वेरी नाइस, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम करते हैं। तो ये दो टेक्निक्स हैं आपकी, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की मेन जान है, जिसमें कहना जान है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा आपका बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी भी में, दोनों में से, क्योंकि बेटा ये बेस है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आपको क्लियर हो गया, तब आगे बढ़ेंगे। यस सर, हो गया ना सबको क्लियर? यस सर। चलिए, यस सर। स्टेप्स क्या है, किसी भी टेक्नोलॉजी के कोई ना कोई स्टेप्स होते हैं, बिना स्टेप्स के कोई टेक्नोलॉजी वर्क नहीं करती है ना। कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। देखो, अगर देखा जाए इसमें क्या है, आप बना क्या रहे हो आप, ये इन्होंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म, है ना। यहाँ पर मैं तुम्हें इसको समझा दूं पहले, फिर स्टेप बाद में देखेंगे। सपोज करें ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में उसका ये लाल रंग का डीएनए, ठीक है बेटा। यस सर। ये मैंने ह्यूमन डीएनए ले लिया, है ना। ह्यूमन डीएनए का छोटा सा पोर्शन चाहिए था, मैंने उसको निकाल लिया अलग, ठीक। और इसको किस में कर दिया मैंने, इंट्रोड्यूस इस बैक्टीरिया में, ठीक। बैक्टीरिया के किस में करूंगा मैं, जीनोम में। तो आपका जो डीएनए बना, जो बैक्टीरिया का डीएनए, अब कैसा दिखेगा, इधर बना दे रहा हूं बेटा, यहां पर उसमें क्या होगा, इस तरीके से होगा वो, यस और नो। अभी मैंने क्या काम करा, उसको अपने डिजायरेबल जीन को किसमें डाल दिया, बैक्टीरिया के जीनोम। yes. तो बैक्टीरिया का जो जीनोम था वो क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, यस और नो। यस सर, जेनेटिकली। यस सर, मॉडिफाई हो गया। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कुछ ऐड कर देना, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बाइक्स वगैरह मॉडिफाई होती है, कार मॉडिफाई होती है ना। मॉडिफाई में क्या करते हैं, चीजें होती हैं उसके आगे, हाथों के आगे वो लगवा लेते हैं, ब्रेक ब्रेक के आगे, कुछ भी जो होता है, ठीक है। तो मॉडिफाइड क्या करा, जेनेटिकली मॉडिफाइड करा, किसको, बैक्टीरिया को। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हम जेनेटिकली, या जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, एडवांस करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। yes, अब इसमें तो सर, ये ह्यूमन का डीएनए ऐसे डाल देते हैं तो अपने आप जुड़ जाता है? नहीं, उसमें बहुत अभी टेक्निक है। ऐसा होता है, ध्यान रखो, डोनर टू वेक्टर, वेक्टर टू होस्ट। एक डोनर चाहिए, एक वेक्टर चाहिए, एक होस्ट चाहिए, और चाहिए बहुत सारे एंजाइम्स, है ना। देखो बेटा, आपने अगर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपने शायद सुना भी ना हो। देखो बेटा, एंजाइम्स बहुत लगे हैं। एक तो आपका होता है मॉलिक्यूलर सीजर, जो कि इनको कट करें, मैं हाथ से कट कर रहा था, यहाँ पर देखो मैंने कट करके रखा है ये ब्लू कलर का डीएनए। तो ये इसमें एंजाइम लगता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। अब कट करने के बाद जोड़ना भी होगा, जुड़ा है अंदर जाके, ठीक। यहाँ पर आपको लगे मॉलिक्यूलर ग्लू, यानी कि डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो वो एंजाइम भी लगते हैं, तीन चीजें चाहिए बेटा आपको, चार कह दूंगा। होस्ट चाहिए जिसमें आप इंट्रोड्यूस करोगे, वेक्टर चाहिए, वेक्टर कहते हैं बेटा कैरी करने वाले को। जैसे कि आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया, या फिर प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन है, एनोफिलीज, वो जो
एनाफिलिस है, तो उसका काम क्या है, सिर्फ लेके जाना और इंट्रोड्यूस करा देना। वैसे ही हमें एक वेक्टर चाहिए होता है जो कि हमारे डीएनए को लेके जाए और अंदर इंट्रोड्यूस करा दे, साथ में हम हेल्प करते हैं बाय गिविंग देम एंजाइम्स जिससे कि वो कट हो जाए, पेस्ट हो जाए। ओके बेटा, यस सर। ये सब तीन चीजें आप याद रखें, इसमें इस टेक्निक की बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। मैंने डोनर से डोनर टू वेक्टर, वेक्टर टू, ये हमारी बेसिक टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग याद रखते हैं क्या करना है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। तो सर इसमें, बोलो बोलो सर, इसमें वेक्टर हमारे एंजाइम्स होते हैं फिर जब हम नहीं, ये करते हैं जेनेटिक? नहीं, वेक्टर एंजाइम ही होते हैं, बहुत सारे वेक्टर हैं, जैसे कि प्लाज्मिड है आपके, है ना, प्लाज्मिड वेक्टर अच्छा। है, बैक्टीरियोफेज है ना, ये वेक्टर्स हैं। अभी हम बताएंगे वेक्टर्स क्यों चुनते हैं। मेरे ख्याल में हमें मीटिंग दोबारा से ऐड कर लेनी चाहिए ये शुरू करने से पहले, है ना मैम? अच्छा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नो सर कुछ भी प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा और समझते हैं, मीटिंग खत्म होने तो तभी शुरू करेंगे, वरना क्या होगा, ब्रेक रिदम टूट जाएगा, दोबारा से शुरू करेंगे इसको, तभी शुरू करते हैं फिर उसके बाद। सपोज करते हैं कोई भी एक जीन चूज कर लो, आपने देखा होगा कि एक वो आई थी मूवी स्पाइडरमैन, देखी आपने, ये सुना है कभी स्पाइडरमैन के बारे में? यस सर। स्पाइडरमैन क्या करता है, वो लड़का, हाँ देखा होगा स्पाइडरमैन क्या करता है, वो उसमें देखा होगा उसको ऐसे करता है, वो उसके अंदर से वेब निकलते रहते हैं, है ना? यस सर। वो अगर देखा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं वो बन क्या गया, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन है, यस और नो? अच्छा लगा था जो भी था, है ना? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है, मान लो कि आप में से जो भी बच्चे हैं, एक बार मैं थोड़ा सा देख लूं कौन कौन है, आशना, भानु, रिया और कौन है बेटा, स्नेहा, है ना, ये तो आप में से किसी को मान लो कि एक ख्वाहिश थी बायोटेक्नोलॉजिस्ट बने और आपको कोई डिजायर जीन था, जैसे कि अभी आपने देखा है कि एक कैंसर मालूम है आपको, इसके बारे में सुना होगा आपने? ट्यूमर्स होते हैं वो, मतलब कोई बता सकते हो कि ऐसा क्या होता है कि कैंसर हो जाता है, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है? सर एक कोई सेल अपने आप ही डिवाइड करती है, सो वो बॉल ऑफ सेल्स बना देती है, फिर वो स्लोली स्लोली ट्यूमर में कन्वर्ट होता है, फिर कैनकेरियस हो जाता है। बिल्कुल सही बताया, किसने बताया बेटा? आशना। आशना, आशना बेटा ये जो सेल था, है ना, ये सेल क्या कर रहा है आपका, लगातार डिवाइड कर रहा है, ये क्या भूल गया, स्टॉप भी करना है, स्टॉप होना भूल गया, तो यानी कि वो जो केमिकल था या वो जो एंजाइम था जो उसको मना कर रहा था कि आप अब डिवाइड नहीं हो, तो उसने क्या कर दिया, वर्क करना छोड़ दिया। या फिर मैं आपको और एक और एग्जांपल दूं, एक डिजीज है SCID, इसको अगर आपने सुना है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि नाम से पता लग रहा है क्या होगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी। इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं एडिनोसिन डी अमीनेज, ठीक है, दिख रहा बेटा आपको, नाम दिख रहा है एडिनोसिन डी अमीनेज? यस सर, यस सर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपका एग्जाम के लिहाज से, एडिनोसिन डी अमीनेज को बनाने वाला कोई ना कोई क्या होगा, जीन होगा, बिना जीन के तो बनेगा, ठीक है, तो हमें क्या, अगर मान लो कोई पेशेंट है आपको, कोई बच्चा है, कोई मतलब छोटा सा, ये तो अगर जेनेटिकली डिफॉल्ट है तो बाय बर्थ होगा, है ना? अब क्या है कि अगर कोई पेशेंट आता है, अगर उसको है SCID, है ना, तो आप एक चाहोगे यार मैं इसका जो है ना, जो खराब जीन है जिसकी वजह से ये एडेनोसिन नहीं बन रहा, है ना, उसको मैं रिप्लेस कर दूं, यही चाहोगे ना? यस सर।
भाई, इस एंजाइम से क्या होता है, उसका इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक, अब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो इम्यूनिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। इस एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन। इसका नाम जीन ए रख दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल। अब आपको मालूम है कि ये जो एडेनोसिन डीएमिनेज कम बन रहा है या नहीं बन रहा है तो किसकी वजह से? जीन खराब हो गया है। ठीक, आपने क्या सोचा कि मैं एक काम करता हूं, इस पेशेंट में मैं सही जीन डाल दे रहा हूं, ये करोगे? यस सर। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाई करोगे डीएनए को और जो जीन आपको डालना है, डिजायरेबल जीन। यानी कि हमारा अभी डिजायरेबल जीन कौन सा है? जीन ए, ए है ना। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इस आइडेंटिफाई करने के बाद इसको इंट्रोड्यूस करोगे होस्ट में। ठीक, अब वो डायरेक्ट आप होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दो, या फिर जिस एंजाइम की कमी है, ये जीन का क्या है बेटा? प्रोडक्ट। ठीक है ना बेटा? जीन का क्या है? ये जीन का प्रोडक्ट है। या फिर इतना प्रोडक्ट बनवा लो, है ना, कि आप उसको एंजाइम थेरेपी दे सको। ठीक, उसके बाद आपने जैसे ही दूसरे स्टेप में गए, आपने अपना जीन जो था वो किस में डाल दिया? होस्ट में। उसको बेटा हम आगे देखेंगे ना कि किस तरीके से हम एक एक स्टेप को कैसे करते हैं, सिर्फ आइडिया। फिर आपने बायोकेमिकल प्रोसेसिंग यानी कि बायो प्रोसेस मेंटेनेंस करेंगे उस डीएनए को होस्ट में। ठीक है, और उसके बाद उसको प्रोजेनी में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब जरा देखो इसको, इस चीज को समझ लो। एक छोटा सा ले रहा है मैं, व्हाइट बोर्ड पे आपको ले चल रहा हूं। ठीक, दिख रहा है आपको व्हाइट बोर्ड? दिखने लगे तो यस बोल देना। यस सर। वेरी नाइस। ठीक है, सपोज करो ये डीएनए है आपका, ठीक है, और आपने इस डीएनए के एक छोटा सा सेगमेंट निकाल लिया। ठीक, इस सेगमेंट को क्या करा आपने? होस्ट में डाल दिया। होस्ट क्या था? बेसिकली एक बैक्टीरिया था। अब उसके किस में डालोगे आप? उसके डीएनए में डालोगे। ठीक है, आपने डाल दिया। अब ऐसा क्या होता है, कई बार ये आपका होस्ट किल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसी कंडीशंस बनाना पड़ती हैं जिससे कि ये जो आपका डीएनए है उसमें जुड़ा रहे। ठीक है, उस कंडीशन का हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ, ये है ये लास्ट वाला है जिसको हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए। मेंटेन कर रखना भी जरूरी है। मान लो कि आपका एक सेल में तो मेंटेन रहा, दूसरे सेल में वो निकल गया, तो कोई फायदा होगा? जब वो मल्टीप्लाई करा दूसरा सेल बना गया तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या होता, तीसरा स्टेप बहुत क्रूशियल है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट, है ना, और अगर जरूरत पड़े तो ट्रांसफर कर दो डीएनए को उसकी प्रोजेनी में। ठीक है ना, जरूरत क्या पड़े, जरूरत तो है ही, है ना, बिना उसके होगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये तीन स्टेप आपके समझ में आए? यस। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। बेसिकली आपको आइडेंटिफिकेशन किसका करना है? डिजायरेबल जीन्स का। फिर क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है आइडेंटिफाइड जीन को किस में? होस्ट में। होस्ट में। और तीसरा क्या है? फिर उसको मेंटेन करना है। बिना मेंटेनेंस के कोई काम नहीं करता। आप कोई भी चीज लेते हो, आपने सुना होगा कि भाई खरीद तो रहे हो, उसको मेंटेन करके रख पाओगे? अदरवाइज वो क्या होगा? खराब है, है ना। बहुत नॉर्मल बात लैंग्वेज में बताया मैंने आपको। तो ये तीन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्टेप आप नहीं बोलेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम, अच्छा एक बात सुनो, बायो में क्या है ना, एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या होता है बच्चों की हर लाइन से क्वेश्चन होता है, हर लाइन से। अब जैसे बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ना, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो इसमें तीन स्टेप तो ये दे रखे हैं, चौथा स्टेप कोई भी इन्वॉल्व कर दो, है ना, मान लो कुछ भी इन्वॉल्व कर दिया मिलता जुलता, जैसे कि मैं अभी इन्वॉल्व कर रहा हूं।
स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, जल्दी लिख रहा हूँ। ये नेम मैंने नया स्टेप इन्वॉल्व करा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी कंटेनिंग अननेसेसरी जीन, है ना, अनवांटेड जीन। तो ये स्टेप तो है नहीं इसका, है या नहीं? No, है sir. है ना? तो बेसिकली सवाल 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 ऐसे ही बनते हैं। उसके लिए तुम्हें जरूरी क्या है कि पता हो है क्या ये स्टेप है। जब तक ये तीन स्टेप पता होंगे आप अपने आप कह दोगे ये तो कोई स्टेप था ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं था, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ाओ बेटा, इसको हो गया क्लियर यहाँ पे? एक्सक्यूज मी सर, एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा पूछो। सर ये ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू प्रोजेनी सर हमें क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं सर, जब हमें होस्ट में कमी है तो हम ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं सर प्रोजेनी में? दोबारा बोलो बेटा हल्के थोड़ा सा, ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं डीएनए को? हाँ ठीक है, समझ में आ गया, ओके आवाज रुक गई थी। देखो उनका कहने का मतलब यहाँ पर है, ठीक, ये जो बैक्टीरिया था जिसमें ये दिख रहा है बेटा जो मैंने बनाया, यस सर, इसमें आपने सॉरी जो डीएनए था इस डीएनए को साथ क्या जोड़ा, एक और डीएनए जोड़ा, ठीक, इसमें हल्का सा मैंने अलग तरीके जोड़ के दिखाया, ठीक। एक तो ये इसमें मेंटेन रहे, ठीक, ये जो डीएनए है रेड वाला ब्लू के साथ, और जब ये मल्टीप्लाई करे ना बेटा, यस सर, है ना, जब ये मल्टीप्लाई करे तो ये जो रेड वाला रेड और ब्लू डीएनए है वो इसकी प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो, बात समझ में? ये जो रेड और ब्लू डीएनए है, ठीक, ये इसकी प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो। सपोज करो कि सिर्फ इसमें रहा और इस वाली प्रोजेनी जो आई है नीचे वाली इसमें नहीं है, तो क्या कोई फायदा होगा? मुझे तो हर प्रोजेनी में ये डीएनए चाहिए, हर प्रोजेनी में। अभी इसकी दो प्रोजेनी आएंगी ना, यस सर, अगर नहीं क्लियर हुआ दोबारा बता सकता हूँ, कोई उसमें वो नहीं है। एक और बार बताऊं? सर हो गया, सर हो गया, हो गया ना? देखो क्या होता है, हाँ होता क्या बेटा कि डीएनए हमारा मेन काम क्या है, जितनी बार ये मल्टीप्लाई करेगा ये सेल जिसमें हमने अपना डीएनए इंट्रोड्यूस कराया उतनी बार आपका डीएनए मल्टीप्लाई करेगा जो जीन डाला है, यस और नो? यस सर, जितनी बार आपका जीन मल्टीप्लाई करेगा उतनी बार उसका क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट, प्रोजेनी, प्रोजेनी बनेगी या प्रोडक्ट बनेगा, मेन हमें प्रोडक्ट का है। तो हम क्या करते हैं, जब अगर मान लो कि इसमें तो हमारा डीएनए आ गया जो हमने इंसर्ट करा था पर इनकी प्रोजेनीज में नहीं आया, तो मैं उसका कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि पॉइंट जो भी माइक्रोग्राम जो आएगा वो मेरा कोई फायदा नहीं, जब तक मुझे केजीज में ना मिलने लगे किलोग्राम्स में। वो किलोग्राम्स में कब मिलेगा, जब इनकी करोड़ों प्रोजेनीज बनेंगी, और करोड़ों प्रोजेनीज में मेरा क्या आया होगा, डीएनए, ठीक, तभी आएगा। Yes, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं? वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं। अब पहला स्टेप को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और क्या है पहला स्टेप, देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, ठीक है। अब बहुत सारी टेक्निक ऐसी हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। पहले तो डीएनए को आइसोलेट करना होगा, जैसे कि आपने सुना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नाम सुना है बेटा आपने? Yes, sir, सुना yes, sir. अच्छा yes, क्यों करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेटा? सर जैसे कि हम फॉरेंसिक, उसमें से फॉरेंसिक में काम आते हैं सर। हाँ जैसे कि आप जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि मैटरनल पैटर्नल डिस्प्यूट होता है भाई किसका कौन है, कौन फादर है कौन मदर है, कौन कल्प्रिट है ना, आपने देखा होगा, तो वहां पर भी आपका डीएनए फिंगरप्रिंट यूज होता है। तो पहले तो आपको क्या चाहिए, आपको डीएनए आइसोलेट करना होगा ना भाई। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन के एपिसोड्स आते थे या आते हैं, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि क्राइम सीन से कुछ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, वो करते नहीं करते? यस सर, यस सर, और कुछ सैंपल इकट्ठा करते हैं। वो सैंपल क्या है बेटा, जैसे कि ब्लड है, सीमेन है, हेयर है, टूथ है ना, इनमें क्या होता है आपका डीएनए होता है। तो आप पहला क्या करो, पहले आप डीएनए आइसोलेट करोगे, ठीक, डीएनए आइसोलेट करने के बाद उसमें अपना जीन आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक, ठीक। अब मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि आपने क्या करा, एक सेकंड, ये आपका डीएनए है, ठीक,
अब इसमें आपका जीन यहां इस पोर्शन पे है, इस पोर्शन पे है, और आपको एक ही जीन चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिर्फ डिजायरेबल जीन ले लोगे, ठीक है, और अनडिजायरेबल जीन को छोड़ दोगे। यही है मेन मकसद, क्या है, आइडेंटिफिकेशन करने का, क्योंकि आपको आपका डिजायरेबल जीन चाहिए जिसका आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो। कोई भी मान लो तीन अलग अलग कंपनियां, चार पांच कंपनियां, चार पांच स्टूडेंट भी हमारे पास, ठीक है, आशना है, भानु है, रिया है, स्नेहा है, ठीक है, ये चार बच्चे हैं, चारों की अलग अलग कंपार टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, एक इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक, एक आपका एडेनोसिन एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक, एक आपका डीएनए वैक्सीन बना रहा है, एक आपका एंटीबायोटिक्स बना रहा है, ठीक है, तो सबके जीन अलग होंगे या सबके सेम जीन होंगे? अलग होंगे सर। अलग होंगे, राइट सी बात है, तो पहले क्या करना है आपको, डिजायरेबल जीन आइडेंटिफाई करो, है ना, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ किसका रोल है, जीन्स का, जीन का, जीन्स का, और मेनली किसका, डिजायरेबल जीन्स का, जो आपकी डिजायर है, क्योंकि अनडिजायरेबल तो कोई मतलब नहीं होता ना, अननेसेसरी वो भी बनाओ, मान लो कि आपने बनाया इंसुलिन और ग्लूकागन भी साथ में आप सिंथेसाइज करो, भाई क्यों, जब जरूरत ही नहीं है, मार्केट में चाहिए नहीं, तो आप इतना क्यों आप खर्चा करोगे बना के, जब उससे कोई फायदा नहीं होगा, मेरी बात सही है ना, दोनों का रोल अलग है, इंसुलिन का अलग है, ग्लूकागन का अलग है, तो आप नहीं करोगे, तो आप क्या करते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग में, आप आइडेंटिफाई करते हो किसको, डिजायरेबल जीन्स को, और उन्हीं को आप इंट्रोड्यूस करते हो, यस सर। मुझे लग रहा है कि आपको बेसिक्स क्लियर हो गया है, ठीक, दूसरा स्टेप अब यहां पर आप देखें, ठीक, दूसरा स्टेप क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। इस इंट्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, अच्छा बड़ा अच्छा सवाल आया है, स्नेहा ने मुझसे सवाल करा है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये जीन हमारा डिजायरेबल है नहीं है, स्नेहा यही सवाल है बेटा, यस सर। देखो आपने नहीं पढ़ा, वो चैप्टर नहीं पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मुझे मालूम होता है, वो चैप्टर आपने पहले मैं पढ़ा था, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में आपका एक नाम है, उसमें लिखा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना। अब इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से हमें ये पता लग चुका है कौन सा जीन क्या करता है और किस जीन का क्या साइज है, अब आंसर से क्लियर हुआ। Yes, इसको 13 साल लग गए थे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, 1990 में शुरू हुआ था और 2003 में कंप्लीट हुआ था, फिर भी 3 साल और एक्सटेंड हो गया 2006 में, क्योंकि 2006 तक क्रोमोसोम वाई पढ़ना रह गया था, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से हमने क्या करा है कि हमें मालूम चल गया है कि कौन सा जीन क्या काम करता है और कितना साइज है, और इस सारी इंफॉर्मेशन को हमने किसमें स्टोर कर दिया, कंप्यूटर में, ठीक है, ओके सर, यस सर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ह्यूमन डिस्ट्रोफिन जीन का सबसे लॉन्गेस्ट जीन है, ठीक है ना, तो इसका जो मसल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो ये कैसे पता लगा, बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये है। अच्छा सवाल था बेटा, ऐसे सवाल करते रहा करो, फायदा मिलेगा, ठीक है, तो व्हिच जीन, वो ह्यूमन डिस्ट्रोफिन जीन, इसको हम पढ़ेंगे, है ना, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है ये, एक एक चीज पढ़ेंगे, उसको हम देख लेंगे, कोई परेशान नहीं होना। तो दूसरा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, जो आपने डीएनए आइडेंटिफाई कर लिया है उसको किस में डालना, होस्ट में। अब मैंने आपको बताया था डोनर टू वेक्टर, वेक्टर टू होस्ट, यही बताया था ना मैंने आपको, अब यहां पर रोल किसका, वेक्टर का। अब वेक्टर क्या है, वेक्टर आपका प्लाज्मिड है, यहाँ पे प्लाज्मिड सबको पता होगा क्या होता है, पता है सबको, मैं बता रहा, अच्छा अच्छा क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा डीएनए जो बैक्टीरिया में होता है सर, यस सर, अच्छा और कहीं मिल सकता है हमें बैक्टीरिया के अलावा, नहीं पता, ईस्ट में देखो हमने हमने क्या करते हैं, ये मान लो ये सेल है, सेल में क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम में डीएनए होगा, यस एंड यस यस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट ऑफ
डीएनए। अगर क्रोमोसोम के अलावा कोई और डीएनए पाया जा रहा है तो वो हो जाता है आपका, कहते हैं ज्यादातर हम उसे प्लाज्मिड कहते हैं, क्रोमोसोमल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग आगे देखेंगे जब हम इसके टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे, टूल्स पढ़ेंगे मेनली। तो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर में आपका क्या आता है, प्लाज्मिड लेते हैं जो कि क्या काम करता है, डिलीवर का काम करता है। जैसे ये देखो, ये बना हुआ आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में, जैसे कि ये अगर मैं इसको अलग बनाऊं थोड़ा सा, ये समझा दूं मैं आपको डिटेल में। ठीक, चलिए बनाते हैं दोबारा से। दिस इज द डीएनए, ओके, विजिबल? यस सर। यस सर। वेरी नाइस। एंड दिस इज द डिजायरेबल जीन, ओके। नाउ यू विल इंसर्ट दिस डिजायरेबल जीन इनटू द होस्ट, मतलब सर प्लाज्मा। वेरी नाइस। फर्स्ट इनटू द प्लाज्मिड, ओके। यस, पहले आप इसको प्लाज्मिड में इंसर्ट करेंगे। ठीक, अभी मैं इसको हाथ से ही बनाऊंगा। ये हो गया, अभी क्या हो गया, ये प्लाज्मिड था आपका। ठीक, अब प्लाज्मिड में क्या काम करा आपने, अपना डीएनए जो ये वाला डीएनए था किसमें डाल दिया, प्लाज्मिड में डाल दिया। अब इस प्लाज्मिड को क्या करोगे, किसमें कर दोगे, होस्ट में, है ना, करोगे होस्ट में, चाहे वो कोई भी हो। यहां पर हम लोग क्या होस्ट ले रहे हैं, नॉर्मली क्या लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होस्ट कौन होता है, ए कोलाई। तो अभी इसको ध्यान रखें आप, इसको होस्ट में कर देते हैं हम लोग, है ना। ये आपका ठीक है। तो अब ये बताओ, जितनी बार इकोलाई मल्टीप्लाई करेगा उतनी बार प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा। यस सर। यस सर। अगर प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा जीन भी मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हमारा जीन जुड़ा हुआ है, जीन जुड़ा हुआ है। तो अब क्या करते हैं, ये तो हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग, इतना प्रोसेस। ठीक है बच्चो, अब इसके बाद की मैं सिर्फ तुम्हें बताने के लिए, जिससे कंफ्यूज ना हो, इसके बाद की जो प्रोसेस है वो बायो प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, कि इसको हम बड़े से कंटेनर में डालेंगे जिसमें 1,000 या 10,000 लीटर जो होगा वो मीडियम होगा इसको ग्रोथ के लिए, और करोड़ों लाखों जितने भी इकोलाई बनेंगे वो हम बाद में देखेंगे। अभी इतना बताओ, इतना समझ में आया आप लोगों को, इस स्टेप में इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। नो सर। अब इसको यहाँ पे देख ले रहे हैं एक बार और, है ना, कि क्या है क्या नहीं है। देखो आप यहाँ पे इन्होंने दिखाया बैक्टीरियल डीएनए है, प्लाज्मिड है, इन्होंने यहाँ पे होस्ट का डीएनए नहीं दिखाया, पर प्लाज्मिड को किसमें ट्रांसफर कर दिया इन्होंने, इकोलाई। वेरी नाइस, इकोलाई। अब ये इकोलाई कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। इस वर्ड को नहीं भूलना बच्चों, ये जो सॉरी ये जो वर्ड मैं बता रहा हूं, ये ट्रांसफॉर्म सेल है, और ये प्लाज्मिड कैसा है, रिकॉम्बिनेंट। अब जरा सुनो, ये बस ये लास्ट पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ाएंगे तो वो पीछे वाला में निकल जाएगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट क्या चीज होती है, री का मतलब क्या होता बेटा, दोबारा, कॉम्बिनेशन कंबाइन करा गया, प्लाज्मिड को काट के आपने दोबारा जुड़वाया है, इसलिए क्या हो गया बेटा, ये रिकॉम्बिनेंट। अगर मैं ऐसे बताऊं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो इसका मतलब क्या है, ये डीएनए रिकम्बाइन हुआ है, यानी कि इसमें कोई बाहर का डीएनए आके जुड़ा है। ठीक, अब अगर मैंने इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इकोलाई में डाल दिया जो कि होस्ट था, इकोलाई कैसा हो गया, बदल गया, या सुन दो, वेरी नाइस, इस वर्ड को नहीं भूलना। yes. इस पे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक आपकी डिपेंड है, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग, है ना, वो आपको समझनी है, उसमें सवाल भी आता है, बोर्ड में भी आता है, सेलेक्टेबल मार्कर्स भी आते हैं उसमें, तो वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ट्रांसफॉर्म सेल, आप बताएंगे जिसमें कि हमने अपना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या प्लाज्मिड हमने डाल दिया है जो कि पहले से मौजूद नहीं था, वो सेल आपका कहलाता है ट्रांसफॉर्म सेल। तो बदल गया हो, है ना, जैसे कि आपने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा शायद, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा, आपका आर टाइप किसमें बदल जाता है,
एस टाइप में एस है ना। चलो बच्चों ठीक है, ओके सर, ओके सर, यस सर। बाकी कलम पढ़ेंगे सेम टाइम पे, ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ गुड डे, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, सेम सेम, एंजॉय करो, चलो ओके, बाय 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 सर, थैंक यू, बाय।